एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हल्दी मेकअप लुक बताने वाली हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये जो आई मेकअप है, इसके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पर। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें ना, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो ये जो आई मेकअप है, मे बी बिगनर्स आप लोग थोड़ा डर रहे होंगे देख के कि कैसे करोगे, लेकिन बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे और आई मेकअप पर कॉन्सेंट्रेट रखोगे तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से आई मेकअप कर सकते होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग से। तो यहाँ पर मैंने वेट टिश्यू से सारा मेकअप रिमूव कर लिया। अगर आपके क्लाइंट के फेस पर मेकअप नहीं भी हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लीन कर लें फेस को। और उसके बाद हम करते हैं प्रिपरेशन होती है हमारे स्किन की। तो यहाँ पर मैंने निविया की मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करी है। मेरे क्लाइंट के पिंपल्स वाले स्किन हैं तो मैं यहाँ पर अच्छे से प्राइमर भी अप्लाई करूँगी। मॉइस्चराइजर प्राइमर को अप्लाई करने के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी कलर करेक्शन। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी थ्योरी में बता चुकी हूँ कि जब भी रेड कलर के पिंपल्स होंगे तो आपको ग्रीन कलर के कंसीलर से या फिर कलर करेक्शन के करेक्टर से आपको न्यूट्रलाइज करनी होती है स्किन। तो मैं यहाँ पर एले प्रो का ग्रीन कलर का कंसीलर ले रही हूँ, उसको मैं जहाँ जहाँ इनके रेड पिंपल्स होंगे वहाँ वहाँ अप्लाई करूँगी। उसके बाद डैप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद मैं फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन मैं यहाँ पर एक ही अप्लाई कर रही हूँ जो कि है हुडा ब्यूटी का। और इस फाउंडेशन को मैं अच्छे से अप्लाई कर दूँगी पूरे फेस पर। उसके बाद अगेन मैं डैप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ध्यान रखें कि आपका जो ब्लेंडर हो वो गीला हो, डैप हो, ड्राई नहीं होना चाहिए। ड्राई होगा तो आपका मेकअप केकी हो सकता है। और फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद मैं फेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। सुप्रा पैलेट से आइवरी शेड लिया है मैंने। और इस तरीके से आपको हाईलाइट करना होता है फेस, जिससे कि आपको जो फेस आपको जब हम फोटोज़ लेते हैं या इसी को हम 3D टेक्निक बोलते हैं, 3D मेकअप भी हम इसी को बोलते हैं, कि जहाँ जहाँ आपको फेस को उभारना है वहाँ पर आप लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप उसको अगेन डैप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कलर करेक्शन और के कंसीलर्स पे और जब हम हाईलाइट करते हैं फेस को उससे। तो जब हम हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पर आइवरी शेड मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि इनके चेहरे को मुझे उभारना है और एक स्कर्प लुक देना है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम करते हैं कंटूरिंग। पहले हमने हाईलाइटर शेड यानी कि आइवरी शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंटूरिंग के लिए क्रीम कंटूर यूज़ कर रही हूँ NY का, जो कि शेड है टॉफी। और उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जब ब्लेंडिंग आप ध्यान रखें कि जब भी आप कंटूरिंग में जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो अच्छे से ब्लेंड कर लें। नाउ कंटूरिंग को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से मैं ट्रांसल्यूशन पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ मैं आइज़ के नीचे जहाँ जहाँ भी मैंने भी लाइट कंसीलर अप्लाई किया था फेस को हाईलाइट करने के लिए, वहाँ वहाँ मैं इस तरीके से ट्रांसल्यूशन पाउडर को अप्लाई कर लूँगी। ट्रांसल्यूशन पाउडर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्पेशली गर्मियों में, नहीं तो आपका मेकअप केकी हो जाएगा और कंसीलर और इसके पसीने की वजह से निकलने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए एंड स्वेट प्रूफ रखने के लिए। एनीवेज, अब मैंने यहाँ पर आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। और आई मेकअप को आपने ऑलरेडी पहले भी वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, जब भी मैं आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ तो पहले कंसीलर और एक कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से उसको अप्लाई करके ब्लेंड कर लेती हूँ, देन मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहला जो लाइट शेड मैंने लिया है वो है ऑरेंज कलर का आई शेडो। आपके पास कोई सी भी आई शेडो किट हो उसमें से आप सबसे लाइट कलर का ऑरेंज कलर का आई शेडो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं बताती हूँ वही आप लें, आपके पास जो भी हो या फिर आपको जो भी आई शेडो में अप्लाई करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर के दोनों आईज पे इस तरीके से आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, आई शेडो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप, अगर आप बिगिनर हैं आई शेडो में, तो एक बार आप लगाने का तरीका देखा करें किस तरीके से मैं अपने हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ। नाउ मैंने ऑरेंज कलर के आई शेडो को तब तक ब्लेंड किया था जब तक मुझे डिज़ायर्ड कलर नहीं मिल गया जैसा मुझे लुक चाहिए था। नाउ अब मैंने अपने ब्लेंडिंग ब्रश में पर्पल कलर का शेड लिया है। और ये जितने भी मैंने आज कलर यूज़ करे हैं सारे मैट हैं
और मैट में अच्छी बात ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर पर्पल करके आई शेडो को स्टार्ट करूँगी आउटर वी से एंड क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी, और जो अंदर वाला जो पार्ट होता है आईज़ का इनर कॉर्नर उस पर मैं कम लगाऊंगी, क्योंकि डार्क कलर हमें कम लगाना चाहिए जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो इनर वी होता है वहाँ पर हम डार्क कलर नहीं अप्लाई करते हैं, ओनली आउटर वी पे एंड क्रीज लाइन पर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दो शेड लगाए हैं, ऑरेंज और पर्पल। उसके बाद मैं यहाँ पर कट क्रीज लुक दे रही हूँ। बहुत ही सिंपल आई लुक है, जो बिगनर्स हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब भी आप प्रैक्टिस करें और ये लुक क्रिएट करें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे इमेजेस भेजना ना भूलेगा और मुझे ज़रूर टैग कर दीजिएगा। एनीवेज तो मैं यहाँ पर कट क्रीज के लिए स्टार्ट कर रही हूँ कंसीलर अप्लाई करना। कंसीलर आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, इवन आप क्रायलोन की सुपरा पैलेट से आइवरी शेड ले सकते हैं। और मैं कट क्रीज जब भी आप अप्लाई कर रहे हो अपने क्लाइंट के, तो ध्यान रखें कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक छोटा सा मैंने फ्लैट ब्रश ले लिया है, उसके बाद मैं इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी एंड बिल्कुल सेंटर ऑफ द आईज पर इस तरीके से, जैसे भी आप वीडियो में देख रहे हो ना उतना मैं कवर कर लूँगी कंसीलर से। और एक बार कट क्रीज करने के बाद मैं यहाँ पर एक पेंसिल ब्रश से पिंक कलर का शेड ले रही हूँ। पिंक कलर का शेड मैं बिल्कुल कंसीलर के थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। और मे बी मैंने कितने शेड अप्लाई करी हैं अभी तक, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों का आंसर का वेट करूँगी, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग इतने अच्छे से देखते हैं मेरा वीडियो। तो मुझे मोटिवेट करेगा ये चीज़ कि मैं और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं और ज़्यादा अच्छे से वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। एनीवेज तो मैं यहाँ पर पिंक कलर का शेड आउटर वी पर लगाकर उसके बाद मैं यहाँ स्टार्ट करूँगी सेंटर ऑफ द आईज पे। येलो कलर का मैट शेड ले रही हूँ, येलो है ये। और आज मैंने सारे ही मैट कलर के आई शेडोज़ यूज़ करे हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आप ये वाला एक बार ट्राई कर सकते हैं, आई लुक आपको भी लगेगा कि बहुत सिंपल तरीके से ये कर सकते होंगे आप। तो यहाँ पर मैंने पूरा आई मेकअप, अपर आई मेकअप हो गया है हमारा कंप्लीट। और अपर आई मेकअप के बाद मैं सारा जितना भी मेरा यू नो एक्स्ट्रा पाउडर यानी कि ट्रांसल्यूशन पाउडर था वो डस्ट ऑफ कर लूँगी। और मैं इनर आई जो हमारी जो नीचे की यू नो आई लैशेज होती हैं वहाँ पर मैं पर्पल कलर का शेड ले रही हूँ। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर ब्लैक काजल अप्लाई नहीं किया है और यहाँ पर मैं सिर्फ वाइट काजल को अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने डार्क शेड दिए हैं आज, तो आई मेकअप को आई थोड़ा सा बड़ी लगे इसलिए मैं यहाँ पर वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ एक ही शेड अप्लाई किया नीचे मैंने पर्पल, एंड देन मैं मस्कारा का कोट करूँगी दोनों अपर लैशेस और लोअर लैशेस पर। मस्कारा मैं अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। एंड नाउ अब बारी आती है लाइनर अप्लाई करने की, तो मैंने यहाँ पर मेबलिन का लिक्विड आई लाइनर अप्लाई किया है। तो अब मैं यहाँ पर ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, अभी हमारा आई मेकअप कम्प्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें अभी फेक आई लैशेज अप्लाई करनी है। एनीवेज तो मैं यहाँ पर ब्लशर मिस क्लियर का अप्लाई कर रही हूँ शेड नंबर 02, जो कि बहुत ही नेचुरल लुक देता है। और ये पाउडर फॉर्म का ब्लशर है, तो गर्मियों में अगर आप पाउडर फॉर्म का ब्लशर यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा। तो मेरे यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप स्वेट प्रूफ मेकअप करना चाहते हैं तो ब्लशर आप पाउडर फॉर्म वाला अप्लाई करें इन समर्स। नाउ अब हम हाइलाइटर की बारी आ जाती है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट। हाइलाइटर मैं चीक बोन्स पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, हल्का सा चिन पर अप्लाई कर देंगे। और हाइलाइटर अगेन मेरा फॉरएवर 52 का मोस्ट फेवरेट 02 शेड नंबर। एंड या यहाँ पर और इसके बाद मैं यहाँ पर फेक आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये कि आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं, जैसे कि आपको पता ही है अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मिस क्लियर की मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल और अच्छे से इसको यू नो फिल कर दूँगी। उसके बाद कॉम से डार्क कर दूँगी, बस मुझे ड्रामेटिक आईब्रोज ज़्यादा पसंद नहीं है तो इतने ही फिलअप करूँगी मैं आईब्रोज को। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो, और मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप इसको कलरफुल आईज मेकअप कर सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सेम हैंडल से है, अनामिका जॉय सिंह के नाम से। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।